इवनिंग एवरीवन, दिस इज चंदन सिंह। वेलकम यू ऑल टू इंडियाज लार्जेस्ट स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी, अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी। जैसे कि दोस्तों, रात का 10 बज चुका है, सेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लें। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, मेरे साथियों। चलिए दोस्तों, सेशन की अगर बात करते हैं, राम राम। जो लोग सेशन को फॉलो नहीं किए हैं वो सेशन को फॉलो कर दें। एसएससी एग्जाम्स में जाके सर्च करना है चंदन कुमार सिंह और फॉलो कर देना है। अनएकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं यहाँ से, लाइव क्लासेस उसके साथ, टेस्ट सीरीज साथ, क्विज एंड डॉट सेशन, ये सारे फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं सभी एजुकेटर के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाएगा। एजुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं ए टू जेड। कहीं भी कभी भी असीमित लाइव क्लासेज आपको मिल जाएगी। फोर्थ में वीकली टेस्ट होती है जिससे आप अपने क्षमता को परख सकते हैं, जांच सकते हैं। सभी प्लस कोर्स में डॉट्स क्लियरिंग सेशंस होती है। फर्स्ट डे क्लास के, सेकेंड डे के, थर्ड डे, फोर्थ डे डॉट सेशन क्लास होगी। सिक्स में प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझने के नए आकर्षक तरीके एजुकेटर बताते हैं। सेवेंथ में आप डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं जिसके साथ आपका नोट्स बनते चला जाएगा। और एट में टेस्ट सीरीज जो मैंडेटरी है, और नाइन्थ में सही मार्गदर्शन। आपको सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और यह फोन नंबर डालना है, ईमेल डालना है, यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। एसएससी एग्जाम्स में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन करना है। अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं 6500, 24 मंथ का कोर्स लेते हैं 7800। इसमें आपको अगर डिस्काउंट चाहिए एंटर कोड में डाल देना है। भाई मुझे तो पता नहीं है, ठीक है, तो CD10, ठीक है, आपको एंटर कोड लगाना है CD10। आप उनको ना अनअकैडमी मैसेज करो, अनअकैडमी फॉलो करते हो ना, हाँ कर लो, पूछ लो उनसे। एसएससी एग्जाम्स में जाना है, सर्च करना है चंदन कुमार सिंह, और यहाँ से आपको फॉलो कर देना। और यहाँ से आपको लगभग 300 प्लस वीडियो मिल जाएगा पीडीएफ के साथ, आपको ऐसे फॉलो करना है। एंटर कोड में डालना है CD10 SSC कैटेगरी में जाके। मेरा क्लास 9 बजे होता है, 25 क्वेश्चन 25 मिनट, और यहाँ पे थ्योरी पेपर के साथ MCQ, और यह अनअकैडमी पे फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास होती है, ठीक है। आप सभी लोग रेडी हैं? एक बार यस बोल दीजिए, फिर क्वेश्चन लाया जाए। आप सभी लोग रेडी हैं? यस बोल दीजिए एक बार। यस बोल दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कालाहारी डेजर्ट इन विच कंट्री। देखो शुभम, इंडिया में थार डेजर्ट है बेटा, थार है, ठीक है, आंसर चेंज कर लिया। राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका, राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका, वेरी गुड भाई। देखो मुझे आइडिया नहीं है, आप आशुतोष भाई, जो सर को आपको क्लास चाहिए वो सर को आप एक काम करो,
आप उनके जो है अनअकैडमी ऐप पे मैसेज करके दोस्त पूछ लो, गुड इवनिंग मीनू, ठीक है, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है भाई, परेशान नहीं होना है, ठीक भाई। चलिए चलिए तान्या, हेलो, चलो क्वेश्चन आंसर लगाओ। तो देखिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका होगा और इसका जो कैपिटल है क्या, नहीं समझ में आ रहा है आपको, कैपिटल है केपटाउन, ठीक है, और एक और कैपिटल है पेरिटोरिया, ये भी कैपिटल है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, गुड इवनिंग, उसका नाम है किरिल रामा घोषा, ये इनका प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए राइट आंसर होगा साउथ अफ्रीका, वेरी गुड। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द सिविल सर्विस इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, लॉर्ड जॉनसोर, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कर्नवालिस एंड लॉर्ड क्लाइव। जल्दी चांद लगा लो, गुड देखिए, अगर फॉरेन लॉर्ड मैकॉली एक व्यक्ति था, रिपोर्ट आया था इसमें, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉन्सेप्ट आया था मेरिट बेस्ड मॉडर्न सिविल सर्विसेज का, और अगर अगर इसका बात करते हैं, दे आर अपॉइंटेड सेक्शन जो है बोल सकते हैं 22 है, टू कैसे ऐसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनेक्ट किया गया था। ये जो चीजें था ये कर्नवालिस का सीन था, ये कर्नवालिस होगा, बेंटिक नहीं होगा। रॉबर्ट क्लाइव गुलाम बनाया शुभम, 23 जून, कितना बार बताएं, कितना पढ़ाएं, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था बाबू, ठीक है, बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है प्लासी जो नादिया के अंदर आता है, नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, प्लासी एक जगह नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और नादिया गंगा नदी के किनारे है, ठीक है, और यहीं पे जो है इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसका कमांडर मीर जाफर धोखा दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, लॉर्ड कर्नवालिस इज राइट। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, ये जो है इसके सहायता से, कोई बात नहीं, हमारे देश में सती सिस्टम खत्म हुआ, जो किसी के हस्बैंड मर जाते थे तो वो वाइफ को जलना पड़ता था उसके ग्रेवयार्ड में, 1829 ईस्वी में किसके सहायता से, तो राजा राम मोहन रॉय के सहायता से, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है, याद रखिए। चलिए क्लियर है कॉन्सेप्ट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। टोटल आज 50 क्वेश्चन का सेट है, 1 घंटा का सेशन है, क्वेश्चन होगा 50, ठीक है, आराम से आंसर लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आंसर लगाते रहिए, ठीक है, शेर मार दीजिए एक बार। नाइन राइट आंसर है जो 1906, 1906 में इसका फाउंडर था आगा खान, समी मुल्ला खान, ये लोग था। 1915 में गांधी जी इंडिया पहुंचे थे 9 जनवरी को, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से,
ठीक है, 1918 में जो है यहाँ पे अहमदाबाद मिल मूवमेंट केस हुआ था, गांधी जी अहमदाबाद में किए थे। चलते आगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन द रिवर्स झेलम एंड चेनाब। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर देखिए, आप पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, डेरियस थर्ड, द ग्रेट अलेक्जेंडर, पोरस भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर है जो पोरस, पोरस भाई इज राइट आंसर, पोरस भाई इज राइट आंसर। ठीक है, पोरस ही थे वहां के जो है राजा, और इसी के टाइम में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर इस पर अटैक किया था, और अलेक्जेंडर इसको बंदी बना के सेना लाया, अलेक्जेंडर के सामने पेश किया गया। तो अब बोला, पोरस तुम्हारे साथ क्या किया जाए, बोलता जो एक राजा के साथ किया जाए, उसको माफ कर देता है, ठीक है, और दोस्ती कर लेता है उससे, और उसका राजपाट घुमा देता है। बिल्कुल, पोरस इज राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद आर बुक इन ऑन फिलोसफी, पॉलिटी, मेडिसिन एंड सोशल लाइफ। वेरी गुड, तो अगर बात करते हैं उपनिषद का, तो उपनिषद एक फिलॉसफी है, क्या है, फिलॉसफी है, दार्शनिक। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ बीच कॉइन, बीच कॉइन को इन्वेंट किसने किया था, एलॉन मस्क है, विटालिक बुटेरिन है, संतोषी, संतोषी आपका क्या है, नाकामोटो है, निक जोबा। एलॉन मस्क नहीं होगा, आगे बताओ। एलॉन मस्क नहीं होगा मीनू, आगे बताओ, फिर से ट्राई करो। वाज इन्वेंटर ऑफ बिटकॉइन, इन्वेंटर जो है बिटकॉइन का कौन है, इसका नाम है संतोषी, अरे संतोषी नाकामोटो इज राइट आंसर। सेवन नंबर क्वेश्चन है, जापान्स पार्लियामेंट इज नोन एज, आपको ये बताना है कि जापान के पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, स्पेस, बिल्कुल एस एक्स, और जाक्सा है यहाँ का, जापान का, एलॉन मस्क है, टेस्ला स्टारलिंग, हाँ भाई एलॉन मस्क, अभी इंडिया में एक उन्होंने फैक्ट्री भी लगाया इलेक्ट्रिक कार का। तो वहाँ का जो बोलते हैं ना, हम डाइट पे कर रहे हैं, डाइट पे चल रहे हैं, है ना, कितने लोग डाइट पे चल रहे हैं, तो जापान का जो है पार्लियामेंट का नाम डाइट है। ठीक है, ये बताइए जापान का कैपिटल कहाँ है, ये बताइए जापान का कैपिटल कहाँ है, जल्दी से जल्दी से, अब इतना लेट जापान का कैपिटल बताने में, हे भगवान। टोक्यो इज राइट आंसर, टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का नाम यहाँ के, सुगा, याद रखिएगा टाइटल सुगा, YOSHIHIDE, योशिहिदे सुगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसे नेशनल डाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, चलते हैं आगे। जापान जो है होंसू आइलैंड पे बसा हुआ है, होंसू, होंसू आइलैंड पे जापान बसा हुआ है। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन है, जट जटिन इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट, जट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। किम जोंग उन कोरिया का है ना, इधर कोरिया चले गए आप,
आंसर बिहार। इसका ट्रिक देखिएगा, बिहार का ट्रिक देखिए, बिहार का और कौन कौन सा फोक डांस है। देखो ट्रिक थोड़ा फनी है, बोल रहा हूँ, अदरवाइज मत लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है ठीक है। जीजा जी, जीजा जी, हाँ बिहार का ट्रिक बता रहे भाई। जीजा जी को फागुन में बिहार विदेशी से प्यार हो गया। फागुन का मतलब समझ रहे हैं शुभम, ये ट्रिक है। हाँ देखो, जीजा में दो जे आता है, एक जट से जट, एक जे से जट और दूसरा से जटी, ठीक दूसरा फागुन आता है, फगुना, तीसरा विदेशी आता है, हाँ उसी को बोलते हैं। विदेशिया, उसके बाद प्यार, फिर पूर्वी, ये टोटल फॉक डांस है बिहार का। देखो जे 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 जट जटिन, फागुन से फगुना, विदेश से विदेशी से विदेशिया, प्यार से पूर्वी। समझ में आया ट्रिक? ट्रिक समझ में आया? एक बार यस बोल दीजिए, थम्स अप तो दिखा दीजिए कम से कम। ठीक है चलते आगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज। देखो ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नाइट्रोजन मत लगाना, आंसर नहीं होगा। नाइट्रोजन आंसर मत लगाना, आंसर नहीं होगा, नाइट्रोजन मत लगाना। तुम सोच रहे हो 78% होगा, सर हो जाएगा, बट ये नहीं है, पहले बोल दिए थे। ऑक्सीजन इज राइट आंसर, सब ज्यादा हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, उसके बाद ऑक्सीजन है, यहाँ पे अबंडेंट लिखा हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? हाँ भाई ऑक्सीजन इज राइट आंसर, बिल्कुल भाई, अरे आपके बात से हम सहमत हैं। जूलॉजी का फादर अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है, ज्योमेट्री के फादर यूक्लिड को कहा जाता है। तो कमेंट करके बता लेमार्क कौन है। चलिए क्वेश्चन 11 नंबर है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन कॉल्ड इज कॉल्ड। एक होता है पॉलिनेशन नेशनल पार्क, आप फ्लावर देखे होंगे, फ्लावर मान लीजिए फ्लावर है, इसमें ऊपर में कुछ होता है और जब इस पे कोई इंसेक्ट बैठता है तब ये स्टिग्मा से कनेक्ट होता है, ये एंथर होता है, ये स्टिग्मा होता है, तब यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। अब ये पॉलिनेशन नेशनल पार्क उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट के आसपास बनाया जा रहा है, पॉलियोनोलॉजी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन। अगर पंचायत की बात करते हैं, पंचायती राज सिस्टम जो है 1959 में अडॉप्ट किया गया था, राजस्थान के
नागौर डिस्ट्रिक्ट में इम्पोज किया गया था राजस्थान में। ठीक और पंचायत आर्टिकल 40 में मेंशन है, ऐसे याद करो, पार्ट शेड्यूल एंड आर्टिकल, इसे बोलते हैं भाग हिंदी में, इसे बोलते हैं अनुसूची, ऐसे बोलते हैं अनुच्छेद। तीनों क्वेश्चन ऐसे रहा था। पार्ट 9 में है, 9 में दो जोड़ेंगे तो कितना होगा, पार्ट 11 शेड्यूल है, और 9 11 20, एक बार 2 जा कर दो, 40 40 आर्टिकल में, याद रखिएगा। पार्ट 9 में है पंचायत, शेड्यूल 11 में पंचायत, और आर्टिकल 40 में पंचायत। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 शेड्यूल, 11 9 20, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सबसे पहले गांधी जी बोले थे भाई इंडिया में क्या होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम, हमारे देश को गांव को डेवलप करो। अब देश के गांव को डेवलप कीजिएगा तभी सिटी का डेवलपमेंट होगा, गांव के डेवलपमेंट से सिटी का डेवलपमेंट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, अगर द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, 1951 में आया था। आर्टिकल नमस्ते, आर्टिकल 280 में, अरे भाई शुभम राजस्थानी में तो लगा है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लगा था। 280 आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन है, और इसमें जो भी मेंबर है उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। दूसरी बात, एट प्रेजेंट अभी फाइनेंस कमीशन को जो चेयरमैन है उनका नाम है एनके सिंह, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, डे एंड नाइट्स आर इक्वल एट द, दिन रात कहाँ बराबर होता है, कब? अगर बात करते हैं, मतलब मेरे को सर्कल नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सन का लोकेशन एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, सन का एक बार लोकेशन कैंसर पे होता है, एक बार कैप्रिकॉन, और दो बार होता है इक्वेटर पे। जब कैंसर पे होता है तो ये तारीख जो होता है 21 जून होता है, और यहाँ क्या हो जाती है स्टार्ट समर, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ये 23 सितंबर को लोकेशन होता है इक्वेटर पे, और यहाँ होता है ऑटम, AUTUM। फिर नवंबर दिसंबर की बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर, इस टाइम जो सन का लोकेशन होता है साउथ पोल कैप्रिकॉन पे, और ये वो होता है विंटर, ये अपोजिट होगा, अगर इधर समर है तो इधर विंटर, अगर इधर समर है तो इधर विंटर, अपोजिट होगा। फिर ये दिसंबर जनवरी मार्च, ये 21 मार्च की बात करते हैं, यहाँ से जो स्टार्ट होता है इसको स्प्रिंग बोलते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ सीजन, 1 2 3 4, ये सीजन है। तो जो 21 मार्च है एंड 23 सितंबर है, ये दोनों दिन सन का लोकेशन कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है, दिन रात क्या होता है, इक्वल होता है, जिसे क्या कहा जाता है,
इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश वॉज सेपरेटेड इन विच ईयर? बांग्लादेश जो है 1971 में आया था। अब इसे हम पाकिस्तान से अलग किए थे युद्ध करके, तो राइट आंसर 71। क्वेश्चन है, द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन, अगर आप सन की बात करते हैं ये सन है, ये सन है, ये सन का बाहर का लेयर है, उस लेयर को बोला जाता है कोरोना, जिसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस, और अंदर का जो टेम्परेचर है उसे कोर बोला जाता है। इसका जो सेल्सियस है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अंदर का, ये होता है वाटर बाहर का, और कोर को बोलते हैं इनर अंदर का। सन का जो लाइट होती है अर्थ पे 500 सेकेंड लगता है आने में, या 8 मिनट, 18 सेकेंड या 20 सेकेंड ऑप्शन होगा। इसका जो टेम्परेचर होता है उसको मेजरमेंट करते हैं पायरोमीटर से, और सन का जो पार्ट चमकते रहता है, जो ब्रेड चमकीला वाला पार्ट है, शाइनिंग वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर तो समझ में आ गया, समझ में आ गया, बोलिए यस। चलते हैं आगे, क्वेश्चन आगे चलें। क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बॉलीवुड टू फीचर ऑन द कवर ऑफ द टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन कवर पर फीचर करने के लिए बॉलीवुड के पहले व्यक्ति का नाम बताइए। ऐश्वर्या राय नहीं होगा, बच्चन जी नहीं होंगे, खान साहब नहीं होंगे, परवीन बाबी होंगे। इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, मलयालम इज अ प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट? मलयालम कहाँ बोला जाता है? राजस्थान नहीं होगा, असम नहीं होगा, कर्नाटका नहीं होगा, केरला इज राइट आंसर। सीएम का नाम बताओ केरल का, शुभम केरल का सीएम का नाम बताओ, लेट नहीं करना, जल्दी से जल्दी से। सीएम
सीएम का नाम है सीएम है विजयन, गवर्नर है आरिफ, मोहम्मद खान, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। फंगियार प्लांट डेट लेक, सॉरी डेट लाइक लैक, लैक का मतलब होता है कमी, लेक का मतलब तो झील होता है, लैक फंगियार प्लांट्स डेट लैक। ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। राइट आंसर जो क्लोरोफिल इज राइट आंसर, जिसमें क्लोरोफिल होगा वो कैसा दिखेगा जी, ग्रीन की बात हो रही है। Which of the following is not a member of vitamins B complex? दो टाइप्स का vitamins होता है, उसको आप विटामिन बोलते हैं। एक होता है फैट सॉल्यूबल, एक होता है वाटर सॉल्यूबल। फैट में आता है डी ई के ए डे का, वाटर में जो होता है बी सी या बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, बी वन होता है, बी फाइव होता है, बी सिक्स होता है, तो स्कॉर्बिक एसिड इज राइट आंसर। अब ये फैट सोलुबल वाला ज्यादा ले लीजिएगा तो तब तबीयत खराब हो सकता है, तुरंत डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर वाटर सोलुबल एक्सेस ले लीजिएगा तो वो तो यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा, ज्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना, बट लेना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन मई एट विच सिटी, कहाँ पे होगा जल्दी से बताइए। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। ये 21 मई से 31 मई तक चलेगा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है याद रखिएगा। एंड वहाँ का जो सीएम है केजरीवाल, गवर्नर है अनिल बैजल, डेप्टी गवर्नर है सुनील मनीष सिसोदिया। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। 22 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट प्लेयर्स मोहम्मद नवीद एंड सिमन अनवर बुट हैव बीन बैंड फ्रॉम ऑल क्रिकेट बाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल फॉर 8 ईयर्स फॉर बींग इन्वॉल्व इन मैच फिक्सिंग, दे प्ले फॉर विच कंट्री। क्रिकेट बांग्लादेश इज रॉन्ग, पाकिस्तान इज रॉन्ग, अफगानिस्तान इज रॉन्ग, डी इज राइट। इसे बोलते हैं यूनाइटेड अरब इमिरेट्स,
चलते हैं। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन है, मौदूद अहमद हु वॉज पास अब रिसेंटली वॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जल्दी से, इतना टाइम नहीं। ये भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बांग्लादेश से राइट आंसर। बांग्लादेश का राजधानी है ढाका, करेंसी है टाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, प्राइम ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन है? हमें कमेंट करके बताएं कि प्रेसिडेंट कौन है, जल्दी से। अरे प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि तो आपको पता है प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद इज राइट आंसर। विच क्रिकेटर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? विच राइट आंसर इज कपिल देव। 1983 वर्ल्ड कप याद कीजिए। व्हाट इज द डेडलाइन सेट अप बाय आरबीआई फॉर ऑल बैंक ब्रांचेस टू इंप्लीमेंट द इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम? सीटीएस बोलते हैं इसको शॉर्ट। तीस सितंबर 2021 इज राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? राइट आंसर इज अ सेल वॉल। नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता भाई। सेल वॉल प्लांट में होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च? राइट आंसर इज ए ग्लाइकोजेन। 1973
ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ब्लैक हो जाएगा। वन कैरेट डायमंड इज इक्वल टू, वन कैरेट डायमंड इज इक्वल टू 200 mg। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। हाँ, फिनॉल इज राइट आंसर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आर यूजुअली मेड ऑफ, इंटीग्रेटेड कोल में अगर हाई प्रेशर पड़ता है तो डायमंड बनता है, लो प्रेशर पड़ता है तो ग्रेफाइट बनता है। राइट आंसर इज सिलिकन। सिलिकन सिटी के नाम से किसे जानते हैं, कमेंट कीजिएगा। रिंगवॉर्म इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, जो दांत खुजली वगैरह होता है ना, किससे होता है। फंगिस, फंगिस राइट आंसर, वेरी गुड। बेंगलुरु जिन्ना गेव हिज ऑपोजिशन टू वेवल प्लान, एक वाइस राय था, इसी को रिप्लेस करके क्लाइमेट अटली लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा था, भारत को आजाद किया। लॉर्ड माउंटबेटन, इसकी जो गर्लफ्रेंड थी लेडी हेलेना, सॉरी वाइफ, इसकी वाइफ लेडी हेलेना, और लेडी हेलेना किसी गर्लफ्रेंड पता है, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना जी दोनों को थे। और लेडी हेलेना के हस्बैंड माउंटबेटन, और जिन्ना जी को चाहिए पाकिस्तान, और जवाहरलाल नेहरू जी को चाहिए हिंदुस्तान। दोनों क्या किया, बीच में आके पार्टीशन कर दिया। सिमिलाइज राइट आंसर। नेम द क्लैन ऑफ बुद्धा बिलोंग टू, बुद्ध जिस कबीला से बिलोंग करता था उस कबीला का नाम क्या था। शाक्यगण के मुखिया थे शुद्धोधन महाराज के पिताजी, और ये 29 इयर्स के अवस्था में घर छोड़ता है, उसको तो पता चला संसार दुखों से भरा हुआ है, तो इस दुख को कैसे खत्म किया जाए। जब इन्हें 6 साल तपस्या करने के बाद 35 साल में पीपल ट्री के नीचे निलंजना या फल्गु नदी किनारे उरुवेला आए, बोध गया, ज्ञान प्राप्ति हुआ, तब ये बोले, अगर इंसान खुद पे कंट्रोल कर ले तो जीवन में कभी कष्ट न होगा। सेल्फ कंट्रोल प्योरिटी ऑफ माइंड, शाक्य। द क्वाइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवल देयर लव फॉर म्यूजिक, सेमी कंडक्टर, ट्रांजिस्टर, राइट आंसर इज गुप्ता डायनेस्टी। याद ट्रिक रखिएगा, श्री विष्णु बोलते हैं, श्री राम, श्री विष्णु, श्री श्री गुप्त, विष्णु से विष्णुगुप्त, ये लास्ट किंग था, ये फर्स्ट किंग था।
अच्छा, इसी में समुद्रगुप्त भी था, इस जिससे इंडियन इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन नेपोलियन। ठीक है, क्या कहा जाता है? इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। और इसे इंडियन नेपोलियन किसने कहा था? ब्रिटेन का एक स्कॉलर था, वीए स्मिथ, ये बोला था। ये जो इलाका था, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जीत लिया था। इसी में एक व्यक्ति था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त एक जगह एक सिटी का निर्माण किया था, मतलब एक बिल्डिंग का, जिसका नाम था नालंदा बिहार। बिहार का मतलब ये होता है बिहार, ये वाला बिहार, BIHAR, और इसी से बाद में बना बिहार, जहां पे बौद्ध भिक्षुक रहते थे उसको बिहार कहा गया, बिहार जिसे बिहार। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य, और नंद डायनेस्टी का फाउंडर था धनानंद महापद्मनंद। आपको कमेंट करके बताना है चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, और नंद डायनेस्टी का जो फाउंडर था धना महापद्मनंद, वो किसका फ्रेंड था पता है? पाणिनि का। और पाणिनि व्याकरण, संस्कृत संस्कृत व्याकरण का पहला बुक लिखा था, उसका नाम था अष्टाध्यायी। ठीक है शुभम। अरे शुभम, समझ में आया कि नहीं आया बात? 35th नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स डेडिकेटेड टू, चोला मंदिर में मैक्सिमम कौन से भगवान को डेडिकेट किया गया था, आपको बताना है। अच्छा, ऐसा है क्या सुनो? लॉर्ड शिवा इज राइट आंसर। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन, वन वॉज वन वॉज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया? राइट आंसर इज 1853, 16th ऑफ अप्रैल 1853, मुंबई से था ना। टोटल उसमें बॉगी की संख्या 14 थी, 400 कुछ इसमें यात्री बैठा हुआ था। 37 नंबर, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ सियाम? सियाम का मॉडर्न नेम क्या था? थाईलैंड इज राइट आंसर, कैपिटल बैंकॉक। द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द, अबव द एपिसेंटर इज राइट आंसर।
में तीन वेव होता है, प्राइम वेव, सेकेंड वेव, ये दोनों से लोग नहीं मरता है। जो लॉन्ग वेव होता है ना, यही तो कांड कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया रिलेटेड द रेड इंडियंस, नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका एंड केनिया। रेड एंसिल से नॉर्थ अमेरिका, इसका डिस्कवर किया था 1492 में कोलंबस भाई साहब। शुभम बताना है तुमको कोलंबस कौन से कंट्री का था, इतना बता दूं। वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज, जल्दी से। वेस्ट बंगाल, रेड एंसिल थ्री, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड द इंडियन स्टेट। सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, असम, पांच स्टेट, थ्री कंट्री। वेयर इज द नाफ्ता झाकरी पावर प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। जयराम ठाकुर सीएम है, बंदारू दत्तरे गवर्नर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रवि क्रॉप इन इंडिया, इसका मतलब गेहूं होता है, ये जूट है, ये काला सरसों है, ये जौ है। सही है, मजा आ रहा है तुमको गलत करके, अच्छी बात है, खुश रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। रेप सीड इज राइट आंसर। हु आर द हु हैज बीन नेम्ड द टाइम 2020 पर्सन ऑफ द ईयर, आपको बताना है। बाइडेन भाई प्रेसिडेंट है, यूएसए के, ये तो चले गए। ये प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, ये कौन है पता है। इंडियन प्लेयर अंकिता रैना कौन सा गेम खेलती है, टेनिस इज राइट आंसर। द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ इंडिया हैज बीन सेट अप,
यूनिवर्सिटी। बस चार पांच क्वेश्चन बचा है, चार पांच क्वेश्चन बचा, टेंशन नहीं लेना, गुड नाइट हो जाएगा फिर। राउरकेला उड़ीसा, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर फाउंडेशन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम नेम्ड आफ्टर बिरसा मुंडा। राउरकेला द स्टेडियम इज प्रपोज्ड टू बी बिल्ट विद इन अ ईयर एंड लॉन्ग विथ कलिंगा स्टेडियम ऑफ भुवनेश्वर इट ज्वाइंट इट विल ज्वाइंटली होस्ट हॉकी वर्ल्ड कप 2023। एंड उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ऑन ट्यूजडे लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम एट राउरकेला एंड सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। The stadium will have a sitting capacity for more than 20,000 people. Chamancheri Kuni Raman Nair, who passed away, was a veteran artist of which dance form? कथकली इज राइट आंसर। वेटरन कथकली आर्टिस्ट चमनचेरी कुनी रामन नायर हैज पास्ड अवे रिपोर्ट केरला ही वाज 105 इयर्स ओल्ड। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लाई टू इंडिया? यूके, नाइजीरिया, इराक एंड यूएई। राइट आंसर इज इराक इज राइट आंसर। इराक जो है कंटिन्यूड टू बी द टॉप ऑयल सप्लाई टू इंडिया डिस्पाइट 3% डिक्लाइन इन परसेंटेज टू 5 मंथ्स। इंडिया हैज सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड भाई मेरा आवाज पहुंच रहा है क्या? क्लियर है ना सब कुछ? जापान एंड फ्रांस। तो रशिया इज राइट आंसर। द इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वर्स सरपास्ड रशिया टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट। The Padma Bhushan awardee Lakshman Pai has passed away. He was conferred with the prestigious honor for contribution in his field: agriculture, painting, mathematics, and literature. Agriculture, painting, mathematics. राइट आंसर इज पेंटिंग, चित्रकला। तो ये आर्टिस्ट लक्ष्मण भाई पेंटर थे, 95 ईयर्स का देख लिया। द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व ऑन हिस डेट। मार्च इज राइट आंसर। 5 जून इज एनवायरमेंट डे। 11 जुलाई इट्स माई बर्थडे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एंड 16th of September ओजोन डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट ऑन मार्च 15 एवरी ईयर। टुडे इज ग्लोबल अवेयरनेस अवॉर्ड कंज्यूमर राइट्स एंड नीड्स एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर अक्रॉस द ग्लोबल अगेंस्ट मार्केट अब्यूज। ये मेरा क्लास का टाइमिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉलो कर लीजिए। एंटर में CD10 डालना है, टेली अनअकैडमी पर हमें फॉलो करना है, चंदन कुमार सिंह SSC कैटेगरी में जाके। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो लोग नहीं किए, चंदन सर वाई फाई स्टडी।
वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरी क्लास की, चंदन सर वाईफाई स्टडी। 9 बजे मेरी क्लास होती है, आपकी बार एमटीएस पार, 25 क्वेश्चन 25 मिनट, लेट्स क्रैक। वाईफाई स्टडी 10 PM में क्लास अभी चल रही थी, और अनअकैडमी पे फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास होती है, 4 4 घंटा क्लास होती है। ठीक तो यहाँ से आपको फॉलो कर देना है, CD10 लगा देना है। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब मारें। शुभरात्रि, गुड नाइट, मिलते हैं कल इसी समय में, 9 बजे भी मिलेंगे, 9 PM में भी मिलेंगे और 10 PM में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।